ना। तो प्राककथन से शुरू करते हैं। तो ये 2004 में बाबा का लिखा हुआ है कि अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान पूर्वक सभी आयाम, कोण, दिशा व परिप्रेक्ष्यों में समाधान और प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास दर्शन की आवश्यकता को महसूस किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जब अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान पूर्वक सभी आयाम, कोण, दिशा और परिप्रेक्ष्य में समाधान और प्रमाण को जब प्रमाणित करना चाहते हैं, तो दर्शन एक ज्ञान पक्ष है, उसको प्रमाणित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता को महसूस आवश्यकता लगती ही है। इसको बाबा कह रहे कि उसको महसूस किया गया और इसी क्रम में इस अभ्यास दर्शन को लिखा गया। तो अस्तित्व में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान व मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान इस अभ्यास दर्शन के पहले मानव व्यवहार दर्शन में स्पष्ट किया जा चुका है। तो ज्ञान का हिस्सा हम लोग मानव व्यवहार दर्शन में पढ़ चुके हैं। यही प्रसन्नता के लिए तथ्य रहा कि हम रहस्य मुक्त विधि से अभ्यास कर सकते हैं। तो अब मानव व्यवहार दर्शन और कर्म दर्शन पढ़ने के बाद है ना, अब हम अभ्यास कर सकते हैं, इसके ऊपर जा रहे हैं। तो हर विधा में अभ्यास संपन्न प्रमाणभूत होने के पहले से ही अध्ययन विधि से ऊपर कहे दर्शन के सर्वसुलभ होने की संभावना को और सर्वसुलभ होने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए हम इस करते हुए इस अभ्यास दर्शन को मानव के सम्मुख प्रस्तुत रखते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे कि उनको काफी प्रसन्नता हो रही है कि पहले ही इससे पहले है ना दर्शनों को बताया जा चुका है और अब ऐसा मान रहे हैं कि उसकी संभावना सर्वसुलभ होने की संभावना को महसूस करते हैं। और चूंकि दर्शन यदि सर्वसुलभ होगा तो स्वाभाविक है कि उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस अभ्यास दर्शन को मानव को सम्मुख रखते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मेरा विश्वास है कि हर मानव समझदार, समाधान व समृद्धि पूर्वक प्रमाणित होना चाहता है और परिवार व समग्र व्यवस्था में भागीदार होना चाहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि उनका ये मानना है, ऐसा उनको विश्वास है, ऐसा वो देख ही चुके हैं कि फाइनली हर मानव समझदार होना चाहता है, समाधान के साथ जीना चाहता है, समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है। और इतना ही नहीं बल्कि अपनी परिवार व्यवस्था में और समग्र व्यवस्था में भागीदार होना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए यह अभ्यास दर्शन प्रेरक होगा और फलतः उपकार होगा। इसी सुनिश्चयता के साथ धरती स्वर्ग हो, मानव देवता हो, मानव धर्म रूपी सुख समाधान सर्व सुलभ हो, नित्य शुभ हो, इस के ऐसे विश्वास के साथ इसको मानव के सम्मुख अर्पित किया जा रहा है। तो जैसा कि आज सुबह श्री राम भाई बोल ही रहे थे और मुझे भी ये बहुत बढ़िया लगता है और ये विकल्प के रूप में एक डिपार्चर है पुराने दर्शनों से। मेरा भी बहुत ज़्यादा दर्शनों का अध्ययन नहीं है, बट जितना भी है उसमें कम से कम मैं ऐसा भाव तो नहीं देख पाता हूँ जहाँ ये कहा गया हो कि हर मानव है ना चीज़ों को समझ सकता है, चीज़ों को जी सकता है और उसको प्रमाणित कर सकता है। कहीं ना कहीं बहुत ही हर जगह एक कुछ वर्ग विशेष बिरले लोग ही हैं जो दर्शन को समझ पाएंगे, जी पाएंगे, प्रमाणित कर पाएंगे, ऐसा एक उद्गार ऐसा सुनाई देता है। कम से कम है ना जैन दर्शन का छोटा मोटा मैं जैसे उसी परिवार में पला बड़ा हुआ, उससे ऐसी ध्वनियाँ कम से कम मेरे अनुमान में आती रहीं कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बात पे चर्चा सब लोग कर सकते हैं लेकिन अंतिम उपलब्धियों को पाने का अधिकार बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही है या बहुत कम लोग ही इसको पा पाएंगे, ऐसा एक उद्गार सुनाई देता रहा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर मानव धरती स्वर्ग हो जाए, मानव ही देवता हो जाए, कुछ विशेष मानव नहीं बल्कि हर मानव है ना देवता होकर के जी सके और मानव धर्म रूपी, तो मानव धर्म जो है सुख को जीना चाहता है, सुख समाधान सर्व सुलभ हो जाए, हर जन सामान्य को मिल सके, पहुंच सके, ऐसा ही नित्य शुभ हो, इस अर्थ में इस पूरे दर्शन को प्रतिपादित किया है। ये बहुत ही मुझे रोमांचित लगता है ना, बहुत ही उत्साहवर्धन भी है। तो ये लिख रहे हैं प्रणेता ए नागराज,
नेता एवं लेखक मध्यस्थ दर्शन 22 अप्रैल 2004। बढ़िया, तो अब हम शुरू करते हैं। हम लोग पहला अध्याय अभ्यास दर्शन, तो अभ्यास की आवश्यकता को बताया ही है क्योंकि दर्शन के बाद है ना जीने के लिए अभ्यास चाहिए, और अभ्यास दर्शन में शुरुआत कर रहे हैं कि जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के आधारभूत परमात्मा में स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। तो मुझे लगता है काफ़ी अब जो ऑडियंस हमारी यहाँ पर है उनको स्पष्ट ही है कि जो प्रकृति है वो जड़ और चैतन्य के स्वरूप में है, और उसके जो आधारभूत परमात्मा, इसी को जिसको व्यापक कह रहे हैं, सत्ता कह रहे हैं, या आत्मा से भी जो परम है, सूक्ष्म है, इसलिए इसका एक नाम परमात्मा कह रहे हैं, उसमें जो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति संप्रक्त है उसका, उस परमात्मा में स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन को का विश्लेषण कर रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं, क्रिया माने प्रकृति, तो संपूर्ण क्रियाएं सत्ता में संप्रक्त जड़ और चैतन्य ही है। तो फाइनली संपूर्ण प्रकृति है वो जड़ और चैतन्य के स्वरूप में व्यापक रूपी सत्ता में संप्रक्त है, अर्थात डूबी भीगी घिरी है, फलस्वरूप क्रियाशील है ना। तो चैतन्य अवस्था में ही क्रियापूर्णता एवं आचरण पूर्णता की संभावना आवश्यकता है, जिसके लिए मानव में अभ्यास की अनिवार्यता है। अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है, अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है, यही निरंतर अभ्यास सूत्र। ये बहुत क्या कह रहे हैं कि चैतन्य अवस्था में ही क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता की संभावना है और उसकी आवश्यकता भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो क्रियापूर्णता को अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं, है ना, श्रम का विश्राम हो जाना, यही क्रियापूर्णता है। या दूसरे अर्थों में कहें तो मानव में जो 10 क्रियाएं हैं 5 बल और 5 शक्ति के रूप में, है ना, जिसको मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा के रूप में बल और आशा विचार इच्छा रितंभरा और प्रमाण के रूप में जो शक्तियां हैं, ये 10 की 10 क्रियाशील हो जाएं अपने अर्थ में, इसी को कह रहे हैं कि 10 क्रियाएं चूंकि अपने अर्थ में क्रियाशील हो गई इसलिए कह रहे हैं क्रिया की पूर्णता हो गई। जैसे परमाणु में गठन की पूर्णता हो गई थी, अब गठन में कोई अंतर नहीं होना है, ऐसे ही क्रिया पूर्णता का मतलब है कि इनमें जो अनुभव संपन्नता है ये पूर्ण हो गई, ये 10 क्रियाएं अपने क्रियाशीलता के साथ व्यक्त हो पा रही हैं। तो चेतन अवस्था में जो अगली घटना घटित होनी है वो होनी है क्रिया पूर्णता, और उसके बाद होनी है आचरण पूर्णता, जिसमें हम देव मानव दिव्य मानव पद की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अब ऐसा होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। अर्थात क्रियापूर्ण हर मानव में अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है। तो इसमें दो चीजों की अनुभव की बात कर रहे हैं, एक तो अनुभव के बाद भी जो आचरण पूर्णता के लिए अनुमान होता है, और एक जनरल सेंस में भी हम कहें कि हमें जितना अनुभव होता है उससे अधिक का हमें अनुमान बनता है, और वही हमारे लिए अभ्यास का सूत्र है, अभ्यास के लिए प्रेरणा का एक तरीका, हमारे लिए एक अभ्यास करने के लिए हमारे में कुछ चीजें उदय होती हैं कि अब अगली स्थिति को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। अभ्युदय अर्थात सर्वतोमुखी समाधान, है ना, सर्वतोमुखी समाधान का मतलब हर देश दिशा काल में, तुरंत भैया आ गया होगा नेट, कुछ देर के लिए लगा कुछ हुआ है इसमें, तो अभ्युदय ही अभ्यास की या सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि। तो भाई अभ्यास क्यों करेंगे, है ना, तो अभ्यास से क्या होगा, उसकी जो उपलब्धि होगी वो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में होगी, अर्थात हर देश दिशा काल कोण परिप्रेक्ष्य में हम अभ्युदय को या समाधान को देख पाएंगे और प्रमाणित कर पाएंगे। ज्ञान अवस्था की निर्भ्रम इकाई में व्यापक सत्ता में संप्रक प्रकृति अविभाज्य है, यही सहस्तित्व में अनुभव ज्ञान एवं प्रकृति दर्शन प्रसिद्ध है। तो ज्ञान अवस्था की निर्भ्रम इकाई अर्थात जब मानव निर्भ्रम होता है, भ्रम मुक्त होता है, अर्थात जब अनुभव संपन्न होता है तो इस बात को पाता है
व्यापक सत्ता में सारी इकाइयां, सारी प्रकृति जो है वो अविभाज्य है, और यही सहस्तित्व में अनुभव ज्ञान है एवं प्रकृति दर्शन है। जो आज भी बात हो रही थी कि प्रकृति भी है ना शाश्वत है, तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या की जगह जगत शाश्वत है, यही सहस्तित्व में अनुभव ज्ञान में आता है कि व्यापक की नित्यता, निरंतरता है ना, और प्रकृति की प्रकृति दर्शन में उसकी शाश्वतता ये स्पष्ट होती है, यही अभ्युदय पूर्णता है, साथ ही मानव की चिरवांछा भी है। इसलिए किसी न किसी अंश में प्रत्येक मानव में व्यापक सत्ता में अनुभूति एवं प्रकृति की व्यंजना सहित अधिकार प्रसिद्ध है, यही अभ्युदय की स्पष्ट संभावना है। अब यहां पर एक नया टर्मिनोलॉजी आ रही है और वो टर्मिनोलॉजी है व्यंजना, है ना। नॉर्मली हमारी बोलचाल की भाषा में ये शब्द बहुत प्रचलन में नहीं है। व्यंजना का सिंपल शब्दों में यदि मैं इसको परिभाषित करूं, वैसे तो यहाँ परिभाषा दी ही है कि रूप गुण स्वभाव सहज अधिकार एवं धर्म ग्राही व प्रदायी क्षमता संपन्न रहना। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो जब मैं प्रकृति को देखता हूँ, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता हूँ, तो मेरे में कुछ होता है ना, मेरे को कुछ रीडिंग आती है ना, उसको कह रहे हैं मेरे में कुछ व्यंजना हो रही है। मतलब मेरे में प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति में मानव समाहित है, प्रकृति के द्वारा कुछ संकेत मेरे तक पहुंचते हैं, है ना। जैसे मैं प्रकृति को देखता हूं तो एक पूरी व्यवस्था है ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, अब ये संकेत पहुंचते हैं, ये संकेत जो ग्रहण होते हैं ये उस इकाई की पात्रता, योग्यता और क्षमता पर संपन्न करता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण में जब आप किसी से मिलते हैं, है ना, कोई बिजनेस डील करना है, या आप किसी अनजान व्यक्ति से भी पहली बार जब मुलाकात होती है तो आपको कुछ रीडिंग आती है ना, ऐसा लगता है इसके बारे में, किसी के बारे में कुछ अनुमान लगता है। ये क्या है, ये बेसिकली जो रूप गुण स्वभाव धर्म से जो अपने पर संप्रेषित होता है या अपने तक जो संकेत पहुंचता है उसको कह रहे हैं धर्म, रूप गुण स्वभाव सहज अधिकार एवं धर्म ग्राही, अपने को जो ग्राह्य होता है उसके अनुसार मैं भी कुछ व्यक्त करता हूं, है ना, प्रदायी क्षमता संपन्न रहना, इसको कह रहे हैं व्यंजना। क्योंकि ये शब्द काफी इसमें बार बार आएगा, तो इस तरह से मानव की चिरवांछा भी इसलिए किसी न किसी अंश में प्रत्येक मानव में व्यापक सत्ता में अनुभूति एवं प्रकृति की व्यंजना सहज अधिकार। तो व्यापक की व्यंजना नहीं होती, व्यापक की अनुभूति होती है, इकाइयों की व्यंजना होती है या उनका प्रभाव जीवन चैतन्य इकाई पर पड़ता है, यही अभ्युदय। और यही कारण है कि हमारे में अभ्युदय अर्थात सर्वतोमुखी समाधान हो सकता है। यदि मेरे में मानव को देख के कुछ होता ही नहीं, मिट्टी पत्थर को देख के कुछ होगा ही नहीं, पेड़ पौधों को देख के कुछ मेरे तक पहुंचता ही नहीं है, तो मेरे में अभ्युदय माने सच्चाई ठीक ठीक कैसे पहुंचेगी। तो कुछ पहुंचता है उसी में परिमार्जन होता है और फिर वो मेरे में सटीकता के रूप में व्यंजित हो जाता है। इसी को कह रहे हैं कि हमें प्रकृति का ठीक ठीक अध्ययन हो गया। और जब मेरे तक वो ठीक ठीक नहीं पहुंचता है और जैसा पहुंचता है वैसा मैं व्यवहार करता हूं, फलस्वरूप फल और परिणाम वैसे नहीं आते हैं, तो मुझे ही रीडिंग आती है कि यार मैंने जैसा समझा था ऐसा नहीं निकला। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आप मिलते हैं और आपको ये अनुमान लगता है कि आदमी ठीक नहीं है, और आप जब उससे फिर जीना शुरू करते हैं तो आपको लगता है नहीं 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 यार, जैसा मैंने पहले सोचा था ना ऐसा नहीं है, ये आदमी तो ठीक है। अर्थात आपके पास वो रीडिंग लगातार आ रही है, व्यंजना हो रही है वहां से, और आप में कोर्स करेक्शन हो रहा है। या अदर वे राउंड, आप पहले किसी को ठीक मान के चलते हैं, जब कार्य व्यवहार करने जाते हैं तो पता लगता है कि जैसा मैंने माना था वैसा नहीं निकला, अर्थात आप में जो व्यंजना हो रही है वो बदल गई, है ना, उस प्रकृति का जो प्रभाव आप तक पहुंच रहा है या आपकी क्षमता बदल गई, इसलिए भी आप अब देख पाते हैं। दोनों ही चीजें अपन देखेंगे, क्योंकि व्यंजनता ही दर्शन क्षमता एवं अनुभव ही आनंद है। तो व्यापक का अनुभव होता है या सहस्तित्व का अनुभव होता है और इकाइयों की व्यंजनीयता होती है, यही मेरे में दर्शन क्षमता है। और व्यंजनीयता एवं व्यंजन उत्पादीयता ही संवेदना, और ये जो मेरे में पहुंचता है कुछ, है ना, इसी को कह रहे हैं ये मेरे में एक संवेदना को जन्म देता है, ये संवेदना है। क्योंकि तो व्यंजनीयता अपने को स्पष्ट हुई, जो जो इकाई के द्वारा
जीवन में एक व्यंजित होने का गुण है, अर्थात चीजों को ग्रहण करने का एक गुण है ना, उसको हम हमारे तक वो पहुंचता है और फिर हम भी उससे व्यंजित होकर के दूसरों को भी व्यंजित करते हैं अपने में। हर इकाई क्योंकि अपने में प्रकाशमान है, वो व्यंजित होता ही रहता है, करता ही रहता है। व्यंजनीयता ही अभ्युदय की कामना का आधार है और इसी के आधार पर हमारे में अभ्युदय की कामना है, अर्थात हम चीजों को ठीक ठीक समझ लें, जैसी सच्चाइयां हैं वैसा हम समझ पाए, है ना। इस आधार पर ही व्यंजनीयता ही हमारे लिए अभ्युदय की कामना का आधार बन रहा है। मन वृत्ति चित्त एवं बुद्धि में ही व्यंजित होने व्यंजित करने की क्षमता व प्रक्रिया पाई जाती है। तो मन भी व्यंजित होता है, वृत्ति भी व्यंजित होती है, चित्त भी व्यंजित होता है, बुद्धि भी व्यंजित होती है और ये व्यंजित करते भी हैं और यही संस्कार व विचार क्षमता है ना। तो चेतन निकाय में ही संचेतना को प्रकट करने की योग्यता है। तो व्यंजित होते भी हैं, व्यंजित करते भी हैं, तो संचेतना को प्रकट करने की योग्यता चेतन निकाय में है, जबकि यह योग्यता रासायनिक क्रियाकलाप में नहीं है। तो संचेतना किसको कह रहे हैं? प्रधान रूप में जानने मानने की क्रिया। तो चेतन निकाय में ही जानने मानने की क्रिया को प्रकट करने की योग्यता है। जड़ जगत में सिर्फ पहचानना निर्वाह करना है, उसमें जानने मानने की क्रियाकलाप नहीं है, इस अर्थ में संचेतना नहीं है, उसमें यांत्रिकता है, पहचानना निर्वाह करना पाया जाता है। अभ्युदय की कामना चेतन इकाई में पाई जाती है। यह कामना ज्ञान अवस्था में ही विशेषता पाई जाती, क्योंकि देखिए चेतन निकाई अपने को जीव अवस्था में भी दिखेगी और ज्ञान अवस्था में भी दिखेगी, और चेतन निकाई बिना शरीर के भी है, लेकिन जो अभ्युदय की कामना है वो प्रधान रूप से ज्ञान अवस्था में ही पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है। ज्ञान अवस्था की चेतन निकाई में ही अभ्यास के प्रति निष्ठा एवं लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा रहती है, इसीलिए उसमें लक्ष्य को पहचानना और फिर लक्ष्य को पाने के लिए जिज्ञासा और उस लक्ष्य को पाने के लिए अभ्यास के प्रति निष्ठा ये चेतन निकाय में पाई जा रही है।